तो फ्रेंड्स, आपका बजट 1 लाख रुपए है, ये पीसी परफेक्ट है, फुल सेटअप आता है, आई मीन इसके अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब कुछ है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है तो ओनली सीपीयू, मॉनिटर भी जरूरत नहीं है, ग्राफिक कार्ड भी जरूरत नहीं है, ओनली सीपीयू आपको ऑलमोस्ट 60,000 के अंदर बिल्ड हो जाता है। मैं बताऊंगा ये पूरा पीसी का वैल्यू, आई मीन ये परफेक्ट पीसी है, गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग कैसे भी कर सकते हो, 1 लाख रुपए के अंदर हो जाता है। अगर आपका बजट 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है तो मैं रिकमेंड करूंगा RTX 3060 लो या फिर RX 6700 XT लो, जो आपका बजट 1,05,000 रुपये तक बना देगा और एक 5-10,000 रुपये और बढ़ा, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाओगे तो यार हर तरह के पीसी कस्टमाइजेशन होते हैं। फिर भी मैं बताऊंगा इस पीसी के अंदर जो मैंने यूज़ किया एक परफेक्ट 1080p गेमिंग के लिए बनने वाला पीसी 1,00,000 से 1,05,000 के अंदर बनेगा, जिसके अंदर हमने यूज़ किया इंटेल का न्यू लेटेस्ट 13400 सीरीज का प्रोसेसर। हालांकि इसके अंदर 13400F भी ले सकते थे, लेकिन कस्टमर ने बोला यार मैं कभी कभी ग्राफिक कार्ड ज़्यादा रेंडर या कोई भी यूज़ हो रहा है, पिछले प्रीव्यूज पीसीज का एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्राफिक कार्ड कभी भी इश्यू आ जाए तो मुझे पीसी पूरा स्टॉप ना करना पड़े, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 5 से 6 सिस्टम है। तो उन्होंने लिया 13400 सीरीज का प्रोसेसर जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट आता है 4.6 GHz, परफॉर्मेंस कोर रहते हैं 6, एफिशिएंसी कोर रहते हैं 4, परफॉर्मेंस कोर का 4.6 है भाई, जो बेस फ्रीक्वेंसी रहता है 3.3 अप टू टर्बो बूस्ट 4.6 रहता है। ये ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर नहीं है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट टर्बो बूस्ट रहता है। हालांकि इसके साथ में स्टॉक कूलर आता है, लेकिन कस्टमर ने बोला यार मुझे एक AG300 का एयर कूलर दो, मेरे लिए ये जरूरत है कि मैं एक स्टॉक कूलर को हटा के थोड़ा सा अच्छा वाला कूलर ऐड करूं। आप खुद देख सकते हो पीसी बिल्ड होने के बाद में कितना सुंदर सिंपल लुक दिख रहा है। आप देखिए AG300 कूलर की एक ब्यूटी, एक सिंपल सिंप्लिसिटी से जाना जाता है। उसके अलावा भाई इस पीसी के अंदर जो मैंने केस यूज किया है वो कई दिनों से आप देख ही रहे हो, XPG का स्ट्राइकर सीरीज का केस है। इस पीसी के अंदर जो केस है ना उसका स्पेशलिटी मैं दिखाता हूँ, फ्रंट जो है ना मैग्नेटिक लॉक के साथ में ये आपको रिमूव हो जाता है। उसके अलावा ये जो डस्ट फिल्टर है आराम से रिमूव कर सकते हो, क्लीनिंग मेंटेनेंस में आपको काफ़ी ईजी फील होगा, और इस केस का इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ये मैग्नेटिक लॉक आपका ईजीली ऐसे क्लिप करते ही कनेक्ट हो जाता है। फ्रंट में USB 3.0 के 2 पोर्ट रहते हैं, टॉप पे एंड ऑडियो जैक रहता है, रीस्टार्ट बटन भी रहता है। 240-360mm जैसे AEOs आपके आराम से फिक्स हो जाता है। पावर सप्लाई के लिए PSU श्राउड रहेगा, उसके लिए ग्राफिक कार्ड को माउंट करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह दिया हुआ है, वेंटी वाले ग्राफिक कार्ड भी आपके आराम से फिट हो जाते हैं। जो प्रोसेसर मैंने बोला था 13400 एक बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है। रैम मैंने यूज़ किया XPG का D50 RGB वाला 8x2 3200 MHz का है, वाइट कलर के अंदर आता है। अगर आप वाइट थीम का बनाते हो तो वाइट यूज़ कर सकते हो, या ब्लैक चाहिए तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, और रैम काफ़ी अच्छी रैम है इनके लिए। स्टोरेज मैंने एक ही स्टोरेज यूज़ किया, सैमसंग का 980 सीरीज का स्टोरेज है जो 3500 MB रीड एंड राइट स्पीड के हिसाब से रहती है, और कस्टमर सैमसंग का फ़ैन है वो सैमसंग की SSD लेना चाहता था। अगर आपको कम्पिटेटिव ब्रांड में बहुत सारा SSDs रहता है, XPG के अंदर 1TB Gen 4 भी SSD इसी प्राइस तक ऑलमोस्ट आ जाती है, लेकिन कस्टमर बोला है मुझे सैमसंग की SSD चाहिए। मदरबोर्ड यूज़ किया MSI का B660MA Wi-Fi DDR4। इस मदरबोर्ड के अंदर 4 रैम स्लॉट रहता है, काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। ये प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल नहीं है और कस्टमर को कोई ओवरक्लॉकिंग वगैरह ज़रूरत है नहीं है। स्टैंडर्ड PCB क्वालिटी रहता है, हाई क्वालिटी का हीट सिंक रहता है, और पूरे कैपेसिटर सॉलिड कैपेसिटर रहता है। फ्रंट अगर आपका केस टाइप सी सपोर्टेड है तो टाइप सी सपोर्ट भी करता है ये मदरबोर्ड, फ्रंट टाइप सी हेडर भी रहता है, और मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 HDMI पोर्ट, 2 DPU पोर्ट रहता है, और 2.5 GB LAN आता है। 2 DPU 2 HDMI करोगे क्या, जब कस्टमर को 4-4 मॉनिटर कनेक्ट करना होता है तो उनको एड ऑन ग्राफिक कार्ड नहीं करेगा तो भी ये मदरबोर्ड आपको हेल्प करता है। उसके अलावा पावर सप्लाई मैंने 650 वॉट्स का 80+ ब्रॉन्ज रेटेड का यूज़ किया है जो NZXT का है, सेमी मॉड्यूलर है। इसके अलावा भाई इस पीसी के अंदर केस को मैंने बता ही दिया था, अभी आते हैं फाइनल मॉनिटर। मॉनिटर आप गीगाबाइट का G24F2 या F ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है वो मॉनिटर, और एक जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड माउस है। उसके अलावा RTX 3050 ये ग्राफिक कार्ड, अगर आप 3050 के साथ में लेते हो तो आपको ये पीसी पूरा 1 लाख के अंदर बन जाता है विथ गेमिंग OC है भाई।
अभी यार 2-3 हज़ार रुपये और सस्ता हो जाता है दूसरा कोई मॉडल लेते हो जिसके अंदर ड्यूल फैन के साथ में आता है, लेकिन ये गेमिंग ओसी सीरीज जो है ट्रिपल फैन के साथ में रहता है। अगेन ये फैन 3 रहने की वजह से थोड़ा कूल हो जाता है पीसी। उसके अलावा आरटीएक्स 3060 सेम गेमिंग ओसी वेरिएंट लेते हो तो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाता है। नहीं मुझे यार और भी हायर चाहिए तो 6700 XT ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, प्राइस तो आपको सिमिलर रहेगा लेकिन परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा हो जाता है। लेकिन काफ़ी कस्टमर्स बोलते हैं मुझे रेडियन नहीं चाहिए होता है, काफ़ी कस्टमर बोलते हैं एनवीडिया मुझे नहीं चाहिए होता है, तो हम जो है ना कस्टमाइजेशन हमारे हिसाब से नहीं करते हैं भाई, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम बिल्ड करके देते हैं। तो फाइनली यही बोलूंगा 1,00,000 रुपये के अंदर बनने वाला एक अल्टीमेट सेटअप है जो न्यू 13 जनरेशन न्यू सीरीज मॉनिटर न्यू सीरीज कंपोनेंट्स के साथ में। आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड करवाना है डिस्क्रिप्शन पर लोकेशन रहेगा नंबर रहेगा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फाइनली एक वर्ड और है, अगर आपका बजट और 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है तो आप DDR4 की जगह DDR5 भी आप जा सकते हो। अगर कुछ इस वीडियो में अगर कमी रह गई हो डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप भेजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और सुधार कर पाएंगे। लेकिन भाई वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो आगे से आगे शेयर करना ताकि लोगों तक मेरा चैनल की रीच पहुंच सके।